यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट। कांस्टेबल एसआई भर्ती में बैठेंगे 40 लाख अभ्यर्थी। 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाने की है संभावना। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर रखी। 52,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर होनी है बहाली। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओन लिटरल। इससे पहले 2021 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 9,027 पदों पर भर्ती निकली थी। वहीं कांस्टेबल भर्ती के लिए बोर्ड में 20 से 25 लाख उम्मीदवारों की संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनोन्नति बोर्ड मुताबिक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट में होगी। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इसी साल यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ और इसके समकक्ष पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाने वाली है। जी हाँ, यूपीपीआरपीबी द्वारा कार्यदारी संस्थाओं के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन कार्यदारी संस्थाओं के लिए कई आवश्यक शर्तें भी रखी गई हैं। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के सफल आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के नाम पर अंतिम मुहर सभी मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही लगेगी। इसके बाद परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सभी अहम बातें पता चल सकेंगी। अक्टूबर नवंबर के बीच नोटिफिकेशन जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरबीपीबी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर टेंडर नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस परीक्षा भर्ती को आयोजन को लेकर एजेंसियों से एओआई निविदाएं मांगी हैं। टेंडर के जरिए एजेंसी का चयन करने के बाद आवेदन, परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 12 से 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना जताई है। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के 2,469 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी को कई अहम कार्यों का अनुभव होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा हेल्प डेस्क बनाकर अभ्यर्थियों को जरूरी जानकारी मुहैया कराने के काम भी एजेंसी ही करेगी। वहीं एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आम पर आंसर सौंपेगी। वहीं मेरिट लिस्ट तैयार करना, ओएमआर सीट प्रिंट करवाना, एग्जाम सेंटर पर इन्हें भेजना, इनकी स्कैनिंग व जांच, प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ ही इनकी प्रिंटिंग और सप्लाई का काम भी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।